रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर रूस और अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो के बीच सीधी लड़ाई हुई तो दुनिया विश्व युद्ध से एक कदम दूर होगी। पुतिन अक्सर परमाणु युद्ध के खतरों के बारे में चेतावनी देते रहे हैं, हालांकि वो कहते रहे हैं कि उन्हें कभी भी यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत महसूस नहीं हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले दिनों कहा था कि वो भविष्य में यूक्रेन में सैनिकों की जमीनी तैनाती से इनकार नहीं कर सकते। हालांकि कई पश्चिमी देशों ने खुद को इससे दूर कर लिया, मगर इस बयान से बवाल मच गया। जब पुतिन से मैक्रों के बयान और रूस नाटो के बीच सीधी लड़ाई के जोखिम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, आधुनिक दुनिया में सब कुछ संभव है। इसके अलावा पुतिन ने कहा, ये सभी के लिए स्पष्ट है कि ये पूर्ण पैमाने पर तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर होगा, हालांकि शायद ही किसी को इसमें दिलचस्पी हो। पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद ये रुख दिखाया है। इस चुनाव को लेकर आलोचकों का कहना है कि वोटरों को निरंकुश शासक के खिलाफ कोई वास्तविक विकल्प नहीं दिया गया। जो उम्मीदवार थे वो कम लोकप्रिय थे। ये चुनाव काफी नियंत्रित माहौल में शुरू हुआ, जहां पुतिन या यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर उनकी सार्वजनिक आलोचना की अनुमति नहीं थी। पुतिन के बड़े आलोचक या तो जेल में हैं या निर्वासन में हैं। तो आपको बता दें कि रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद करने वाले पश्चिमी देशों ने बड़ी संख्या में प्रतिबंध लगाकर रूसी इकोनॉमी की कमर तोड़ने की कोशिश की, मगर पश्चिम का ये तरीका उसके काम नहीं आया। अब पुतिन ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद साफ संकेत दे दिए हैं कि लड़ाई में उनका रुख नरम नहीं पड़ेगा। ऐसे में दुनिया में संघर्ष और बढ़ने की आशंका लगातार बनी हुई है।